भाई यार ना पारी तो करते डैडी को। आ जा पारी तो करते, डैडी चौकर देंगे फिर। आ जा ना, आ जा डैडी से ना, आ जा। हाँ ना आ जा, क्यों ना आ जा, क्यों ना आ जा बेटा, बताओ। चलो लेट हो गया, जा रहे हैं सुनील जी। चल बाय तो करते, बाय। बाय कर दो बेटा, फ्लैंक किस कर दो। आई लव यू, आई लव यू। लग बोल दे मुन्ने सुनील जी इसको। निशा कामरा फैन ब्लॉग की तरफ से आपको गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई होप अपने घर में सब ठीक होंगे। तो बस आज दिन की शुरुआत कर रही हूँ, तो देखो बिना बताया मेरा छुट्टी कर गई है, और भी सारा सारा काम बड़ा ऊपर ही। वो स्कूल छोड़ के आई थी, तो छोड़ के फिर अपना नहाई धोई हूँ, अपना जॉब वो चलाई है, और सुनील जी भी थोड़ा लेट हो गए तो उनका शॉप पे ब्रेकफास्ट दे के आई हूँ आज, ब्रेड बटर और साथ में चाय। तो बस अब सारी डस्टिंग वस्टिंग करूँगी, पर क्या से पहले पहले सारा काम निपटा लूँगी। तो आज शुक्र है थर्सडे है, आज मशीन नहीं लगानी, आज कपड़े नहीं धोने, तो बस अब ना सफाई करूँगी, बर्तन वर्तन करूँगी। तो आज लंच की भी छुट्टी है, क्योंकि आज हम जा रहे हैं मासी घर, वो अंकल को पूछने के लिए, अंकल आए हुए हैं ना घर पे, तो आज मासी के घर जाएंगे, संतोष मासी घर, लाजवंती गार्डन। तो मम्मी मैं पूजा सब जाएंगे आज दोपहर में। तो के साथ ब्रेकफास्ट बनाया सेवियाँ और मरोड़ी फैन और साथ में चाय। तो आइए गाइज आप भी गर्मा गर्म निशा के साथ ब्रेकफास्ट कीजिए। स्कूल से आ गए आप? क्या लाए? होमवर्क दिया मैडम ने? तो सो गए, देखो स्कूल से भी आई, आती बैग दिखा रही है। दिखाओ दिखाओ मम्मी को दिखाओ, ये क्या है? ए फॉर एप्पल। और क्या दिया मैडम ने? ये आपकी बुक है? सो गाइस ये राइम्स की बुक है, ये देखो ये राइम्स लेके आई है बुक्स। मैम ने राइम्स सुनाई थी आपको? ओए तो बहुत अच्छी है। मम्मी काला जोटा है। हैं? काला जोटा। काला जोटा? ये काला जोटा का सॉन्ग सुनती है पिक्चर का, हम देख के थे हॉल में, तब से कह रही काला जोटा है, तो उसमें भी देख रही है बुक में, कह रही काला जोटा है। काला जोटा आ गया, तो डांस डांस करके दिखा दो एक बारी। डिंग 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 डिंग। अच्छा हेलो गाइज बोल दे एक बारी। हेलो गाइज। हैं? नहीं करा रही, नहीं करा रही, नहीं नहीं। पौड़ी तो जच गई। परी क्या है ये? सुनील जी, ओ सुनील जी। हाँ। बढ़िया लग रहा है परी पता। ये तो कैट में, वो बिल्ली लग रही है इसमें। बड़ा साइज में थोड़ा सा ना। हाँ। अरे वो पूजा ने भी कोल्ड कॉफी मंगाई थी। मैकडी से आया इसके साथ। परी कहाँ है ये? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ? कहो आँख में क्या हुआ? हुई हो गई। और आपको क्या हाल है? देखेगा क्या होगा? ढीले क्यों हो रहे हो? नहीं मैं बेटी को नींद आ रही है, सोने दी स्कूल से आई है, उनका सो जा। हाँ। सोती नहीं है। अरे सोते सोते नीचे आ गया, डैडी पास जाना है। अब तो नया काका आने वाला है तेरा। वो बनाना दे गया था आपको भैया? हाँ दे गया। खा लिया? हाँ खा लिया। सुनो आज हम मासी घर जा रहे हैं। मासी घर जा रहे हैं? मैंने कहा आपसे पूछा हूँ पहले। चलो आप भी चलो आज। पूजा मम्मी और मैं जा रहे हैं। ओके। खाना फिर बना के जाओ। मंगा लूंगा बोलो, मैं बना देती नहीं तो मंगा लूंगा। ठीक है चाचू। हाँ जी। क्या हाल है आपके? बस बढ़िया बढ़िया। भाई कुछ भी मानो ना मानो, रात को 2:30 बजे कहती है मन्नू चाचू पास जाना है। हाँ। मैंने कहा चाचू नानी घर गया। हाँ। फिर कहती चाची है मन्नू। हाँ। फिर कहती चाची के पास चलो। अच्छा मैं चाची भी नानी घर गई, अब सो जा। बिना रिश्वत के बात नहीं करती। हाँ। हाँ। ये किसकी बेटी है? बोल दो बोल दो पहले चाचू की मम्मी की। अच्छा पता है गाइस मम्मी का कैमरा चल रहा है। बहुत तेज फिल्म है, बड़ी तेज फिल्म है। मैं भी अपना कैमरा चालू करूंगा। किसकी बच्ची है? क्योंकि चाचू की। 24/7 चल रहा है? 24/7 नहीं जाना। अब नहीं जाती, मना करती है। चलो चेक पप्पी करते, पाई करते, पाई करते। देखो चाचू की कैसी दीवानी है, देख रहे हो सगाइस, देख रहे हो
दादी देख लो कितना प्यार करती है आपकी बेटी। हाँ आ जा मेरे को दाई खिला दे। गाइस देखो कैंडी कैंडी लाई है डैडी की शॉप से, पहले दादी को खिला रही है। देख रहे हो देख रहे हो, मैंने मांगी तो नहीं दी मेरे को, नहीं दी। देख लो दादी देख लो बाप, परी खाली है, खाली हो गई। अरे बाप तो कुछ चीज लाते हैं पहले परी को देते हैं। दादी कुछ मानो ना मानो आपसे बहुत लव करती है आपकी बेटी। हैं फिर मैं भी तो बहुत लव करती हूं, बहुत प्यार करती है। ये जान की टुकड़ी है, मेरी जान की टुकड़ी है, जानो है जानो। क्या ढूंढ रही है बेटा? ये कल इसने गोली रखी थी यहाँ, कहाँ रखी थी आपने? वोरी 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 मिल गई मिल गई। ये कल इसने ढूंढी गोली मेरी। तो गाइस देखो ढूंढ ही लेती आखिर दादी की दवाई। चलो इसको रख देते हैं, चल जल्दी से खिला दे खिला दे। कल इसने ढूंढी मेरी गोली, जल्दी डाल दे मुंह में, मुंह में डाल दे जल्दी से, डाल दे जल्दी डाल दे। तो गाइस रेडी हो चुके हैं मासी घर जाने के लिए, तो कमेंट्स में बताइएगा स्कूल में तो कैसा लगा। आज मैंने बिल्कुल मेकअप सिंपल किया, कोई पफ नहीं बनाया, लाइट बिस्टिंग आई, थोड़ा सा संदूर लगाया छोटा सा, और बस अब मैं जा रही हूँ मम्मी और मैं पूजा फिलहाल मिलती गाड़ी में मासी के हस्बैंड को पूछने के लिए जा रहे हैं अंकल जी को। तो गाइस आपको दिखाएंगे अंकल जी कैसे हैं, तो बस आज मिलते हैं आपको लालवंती गार्डन में। ये तो रुकी नहीं रही ना डैडी, और ये रो रही है डैडी के पास, ना डैडी के पास। हाय बहुत रो रही है, तो आज टिंडे मिल रहे हैं खाने को बहुत दिनों बाद, और करेले मिल रहे हैं जो हम घर में बनाते ही नहीं है, और मासी के संग हम खाने तैयार हो गए। मैं तो बनाती हूँ करेले, और एक ये रहता। और निशा कब आई मासी घर से? फिर अभी आई थी, वो कपड़े चेंज करने थे, परी सो गई थी। अच्छा वहाँ से मैं ऑटो कर लिया था सीधा यहीं पे घर के आगे बाद। और अंकल की तबीयत कैसी है? अंकल तो ठीक नहीं है यार। नहीं ठीक, मासी ने पूरा हॉस्पिटल बना दिया है। अच्छा वेंटिलेटर बेड गद्दा वद्दा ऑक्सीजन की मशीन पाइप से वो जूस डाल रहे थे, लड़का रखा हुआ डॉक्टर घर पे आता देखने अंकल जी को। अच्छा अब कल ना अंकल की व्हील चेयर आ जाएगी तो उसको थोड़ा बिठाएंगे और देखते हैं कैसे करते हैं क्या। अंकल की हालत तो सही नहीं है, नहीं सही बहुत रो रही है। अच्छा। अब मैं फिर ब्लॉग इतनी नहीं बना रहा। हाँ सही करा, ब्लॉग बनाने क्या फायदा हुआ? अच्छा नहीं सही करा, बाकी वो तुम भी देख रहा मैं जाऊँगा कल जाऊँगा, तो समय नहीं होता मेरे पास। मैं तो मम्मी को बोले एक दो दिन तुम मार आओ, मासी का थोड़ा मन भी फैल जाएगा, थोड़ा होता ही है बहन बहन के साथ थोड़ा सुख दुख अपना शेयर कर लेते हैं। मैं रह लूँ, मेरी गुड़िया का चक्कर है, स्कूल का चक्कर है, तो मैं रह लूँ मासी। चल कोई बात नहीं, मैं कल जाता हूँ मासी से मिल के आता हूँ। कल हो गया, पापा को भी ले जाओ, पापा को भी ले, पापा एक बार भी नहीं है। चल ठीक है, कल आप दो दादू। आज तो क्या होता है, यंग लग रहे हो बिल्कुल, यंग बॉय, ये बाल काले मूछी काले टीशर्ट नहीं न्यू बेंच पापा। अरे अंकल को कल पूछो जाके, अरे चले जाओ हम भी हो गया यार। मैं गए थी पूजा गए थे और मम्मी गए थे संडे तक जाने ही जाने। अरे चले जाओ अंकल की ना हालत बहुत वो है, ठीक नहीं है हालत खराब है अंकल की, कल इनके साथ चले जाओ। ऐसे करो ना, शुक्र है भगवान का, भगवान का शुक्र है सद्बुद्धि आई, सद्बुद्धि आई। अब एक परी अपना बैग लिया, तेरे को होमवर्क कराऊं, चल बैग ले आओ। कहाँ बूथ, कहाँ है बूथ? चलो मैडम ने क्या होमवर्क दिया दिखाओ जरा मुझे आज। परी खड़े हो जाओ जल्दी से, दिखाओ, चलो जाओ दिखाओ बेटा। A for apple, B for boy, C for cat. बोल के दिखाओ मुझे, चलो नहीं पहले बोलो A for apple, बोलो B for ball, C for cat, B for pali, ले आओ बैग ले आओ अपना, B for mummy, M for mummy, M for mummy, हाँ P for परी। तो गाइस ये देखो आज परी का होमवर्क मिला है, इस चिड़िया को इसको कलर करना है और इस बी को
तो परी से कलर करवाता हूँ मैं आज और देखते हैं कैसे करती है। परी आ जाओ, चलो आओ आओ इधर आओ आओ, कम बेबी कम आ जाओ, चलो आ बेटा इधर, चलो बैठो ये वाली इससे करो, इससे पकड़ो पहले, पहले पकड़ना सीखो आप, पहले ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, अरे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे दिखाओ ऐसे ऐसे थंब और फिंगर को दबा के, मैं देखो आपके हाथ से ऐसे पकड़ेगा, ऐसे पकड़ते हैं ना, दिखाओ ऐसे पकड़ो, पकड़ो अरे बेटा ऐसे पकड़ो पहले, ऐसे हाँ ऐसे पकड़ो, देख डैडी कैसे पकड़ते थे, कैसे ऐसे पकड़नी है आप, ऐसे पकड़ो, अच्छा दबानी नहीं सुनील जी, करो इसको बी को कलर करो, डैडी के साथ परी होमवर्क कर रही है, कलर ओए हो गया, अभी नहीं हुआ अभी हो रहा है, ये परी ने कलर कर दिया बर्ड को और ब्लू को, नीचे वाली दो इमेज को कलर करना था, इसको और एक इसको, परी ने कर दिया, परी का होमवर्क हो गया, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग होमवर्क खत्म, अभी बहुत कम होमवर्क मिलता है परी को, मेरी दो मिनट में हो जाता है, ले भाई रात के 12:30 बजे मैगी खाना है, रोटी खा ले, नहीं क्यों, मैगी मैगी खाएगा, हाँ। तो डैडी बनाएंगे मैगी आपके लिए, मैं नहीं अच्छा 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 बता दे कौन बनाए, मम्मी की डैडी, डैडी वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा बता दे मैगी कौन बनाएगा, डैडी बनाएगी, नहीं मम्मी बनाएगी, डैडी थक गए ना बेटा, अब शॉप से थक गए डैडी, मम्मी को मैगी बनानी नहीं आती, आप सब ठीक होंगे अपने घर पे, और बताइए क्या चल रहा है आपके घर में, आपकी लाइफ में सब बढ़िया होगा, तो निशा आज मासी घर गई थी, क्या हुआ मासी घर, मासी बहुत सैड हो रही थी अंकल को देख के, हाँ मासी तो बहुत रोए जा रही थी, क्योंकि अंकल की जो तबीयत था ना, हाँ। बहुत नाजुक हो रहा है, तो गाइस अंकल जो थे हमारे मासा जी, हमने पहले भी बताया था, तो 2-3 महीने से उनकी तबीयत खराब चल रही है, तो हॉस्पिटल से तो छुट्टी हो गई है, लेकिन घर पे भी पूरा उन्होंने एक रूम में पूरा हॉस्पिटल बना दिया, उन्होंने बेड आ गए, नर्सेज आते हैं, डॉक्टर आते हैं, सुबह शाम ट्रीटमेंट चल रहा है, खाना खा नहीं पा रहे, लिक्विड पीते हैं वो भी, लिक्विड पीते हैं वो भी पाइप के थ्रू जा रहा है, नाक से लेके ना, हाँ वो डायरेक्टली पी नहीं पा रहे, अगर वो पाइप निकाल देंगे ना तो अंकल के श्वास खत्म, इतना वो पाइप रिस्क वाला है, उसका बहुत ध्यान मासी बताती है, केयर करना पड़ता है उसको साफ करके, वो ऐसे ना यहाँ पाइप लगा उसके ऊपर नीडल सी लगाई है सुनील जी, उसके अंदर ड्रॉप डाल के फिर उसके पाइप के थ्रू डालते हैं, तो गाइस कंडीशन अभी ऐसी है, कोई फर्क नहीं है, पर हॉस्पिटल छुट्टी, लेकिन मासी अंकल की बहुत सेवा करनी है भाई, बहुत केयर, बहुत कर रही है, केयर कर रही है, डॉक्टर भी देख के मान गया अभी बहुत केयर कर रहे हैं, इतने तो हॉस्पिटल वाले भी केयर नहीं करते जितनी अंकल के मासी कर रही है, अच्छा बहुत केयर कर रही है मासी, भगवान कर ठीक हो जाए, सूप पिला जूस पिला निकाल के बॉयल करके सब्जियां बना के उसको डाल के छान के पीस के फिर सूप बना के, फिर वो जो लड़का है वो 50,000 तो लड़का ले रहा है, अच्छा 24 घंटे रहता है अंकल के साथ, उनको स्पंज करता है, उनको वही खिलाता है पिलाता है, रोटी नहीं देनी अंकल को, अच्छा सिर्फ लिक्विड देना, सूप वगैरह खिचड़ी का दाल का पानी, वो भी दाल का पानी भी सिर्फ धुली होंगी दाल का पानी, और कोई दाल का पानी नहीं, मासी सारी बात बता रही, मासी बहुत रो रही थी, तो हम तो कहते हैं मासी अंकल जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, आप भी ठीक रहो और अपना स्वस्थ सही रखो, मासी भी कह रही है मेरे को, मैं भी अंकल के बिना दूरी हूँ, मासी का अंकल से बहुत प्यार है सुनील जी, तो मेरा भी यार बहुत मूड खराब हुआ, चलो कोई नहीं ठीक हो जाएंगे, मैं कल जाता हूँ अंकल जी से मिलने, तो गाइस आप भी ब्लेसिंग कीजिए अंकल जी के, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और मासी दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों वैसे जैसे पहले खुश रहते थे ना, आप भी दुआ कीजिए कि मेरे अंकल जी जल्दी से ठीक हो जाए और पहले की तरह अपना हंस खुश करें, आपने अंकल देखा था क्या हुआ था अंकल को, हो रही थी ना सुई लगा था ना भैया, बता दो कैसे लगा रहा था, कैसे लगा रहा था, कैसे लगा था, तो गाइस आज का ब्लॉग इसी के साथ ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग में, गुड नाइट टेक केयर बाय बाय, और हमारा अगर चैनल आपको अगर वीडियो पसंद आई हो
तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, अच्छे व्यूज दीजिए। और जिसने बटन नहीं दबाया निशा कामरा फैन ब्लॉग का, वो जल्दी से जल्दी दबाएं। तो मिलता है कल आपको न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।